नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंशेफ का यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं ओल्ड फरीदाबाद में। यहां पर हमारे एक क्लाइंट हैं जो गुरुजी बेकर्स के नाम से हैं। इनका एक रस प्लांट अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। हम आपको बताएंगे कि एक रस प्लांट को चलाने के लिए किस तरह का ओवन चाहिए होता है, किस तरह का डो नीडर चाहिए होता है, तथा किस तरह का रस कटर, ट्रे, मोल्ड और क्या क्या और अदर इक्विपमेंट्स आपको एक स्मॉल स्केल के रस प्लांट को चलाने के लिए चाहिए होता है। तो इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर स्पाइरल मिक्सर है जो कि हमारा डो नीड करने के लिए काम आता है। ये स्पाइरल मिक्सर दो स्पीड में अवेलेबल होता है, एक होता है सिंगल स्पीड और एक होता है डबल स्पीड। हिंशेफ के जो स्पाइरल मिक्सर हैं वो दो स्पीड में आते हैं, सिंगल स्पीड और डबल स्पीड में, और जो पावर लोड होता है वो भी सिंगल फेस या थ्री फेस में आता है। आप अपने कन्वीनियंट और अपनी कैपेसिटी और अपनी कंजप्शन के हिसाब से उसको परचेज कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि जब हमारा डो नीड हो जाता है मिक्सर में, नीडिंग होने के बाद में उसको कैसे हम ट्रे के अंदर रखते हैं। आपने देखा अजय जी ने 215 ग्राम का ये डो भेजा, और अब जो हमारे को शेफ हैं रंजन जी, ये 215 ग्राम के डो को 12 इंच की शेप दे करके लगभग उस हमारे ये जो मोल्ड हैं इन मोल्ड के अंदर फैला रहे हैं अच्छे से। ये जो हमारे मोल्ड हैं इसके अंदर ये 12 इंच की लंबाई के हिसाब से डला हुआ है डो, और इसकी जो मोटाई है वो 2 इंच है। ये ढक्कन वाले हैं, इसमें दो तरीके के आते हैं, बिना ढक्कन वाले और ढक्कन वाले। तो ये ढक्कन वाले हैं, अब इसको रंजन जी पैक कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसे प्रूफिंग के लिए डालेंगे। प्रूफिंग के लिए हमें इसको लगभग कितनी देर रखना होगा? 2 घंटे। अब हम इस जो डो को है ये हम ऐसे ट्रॉली में कर करके अपना रखते जाएंगे। गर्मी का टाइम है तो इस वजह से इन्होंने प्रूफर नहीं लिया हुआ है। फ्रेश यीस्ट यूज़ करके ये डायरेक्ट इसको 2 घंटे तक कवर करके अपने मोल्ड के अंदर ही ढक्कन लगा के प्रूफ होने के लिए 2 घंटे के लिए रख देते हैं एग्जैक्ट ऑन। अब 2 घंटे बाद हम इस जो हमारा खमीर उठ के बिल्कुल तैयार हो गया होगा, और फिर हम उसको अपने ओवन के अंदर डालेंगे बेकिंग के लिए। मोल्ड, ऐसे वाले मोल्ड के अंदर, 12 इंच के मोल्ड के अंदर डो लगाने के बाद और प्रूफ हो जाने के बाद, 2 घंटे प्रूफ हो जाने के बाद अब हमारी ट्रॉली बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। अब हमारी जो ये पकेगा इसको हम लादी बोलते हैं, जो ये मोल्ड और ढक्कन के अंदर पक रहा है। अब इसको शेफ अंदर डाल रहे हैं और ये इसके बाद बेकिंग होगी। ये कितनी देर के लिए अंदर जाएगा, कितनी देर लादी कितनी देर पकती है हमारी? 30 मिनट। 30 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ने के बाद हाँ इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम अपनी लादी को करीबन 30 मिनट के लिए पकाएंगे, जो इसको शेफ अंदर लगाने के बाद वो व्हील इसको लॉक कर देंगे। आप देख सकते हैं वो उन्होंने लॉक कर दिया है, और अब हम अपना ये ओवन बंद कर देंगे। ये ओवन इन्होंने अच्छे से बंद कर दिया। अब क्या टेम्परेचर रहेगा शेफ लादी को पकाने के लिए? 220 डिग्री टेम्परेचर। 220 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। ये इन्होंने ऑन किया स्विचेस, सारे स्विचेस ऑन कर दिए इन्होंने, ठीक है, और 220 डिग्री का टेम्परेचर इन्होंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी पहले से। आप देख सकते हैं 220 डिग्री का टेम्परेचर हमारी लादी को पकाने के लिए होता है, जिसका बेकिंग टाइम 30 मिनट तक होता है। और इसको पकने के लिए हमारा जो डीजल यूज़ होता है बेकिंग के लिए वो 2 से 2.5 लीटर पर आर यूज़ होता है। ये हमारी लादी हम मोल्ड से निकालने के बाद में हम इसको यहाँ पर कूलिंग रैक में रखेंगे। आप देख सकते हैं ये कूलिंग रैक है, इसके ऊपर हम इस तरीके से अपनी लादी रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये होता है हमारा 12 इंच का लादी, इसको लादी बोलते हैं। जब तक ये कटा नहीं होता तो इसको लादी बोलते हैं, और ये 2 इंच मोटा है और 12 इंच लंबा है। ये हमारी लादी होती है जो ओवन से पक के आती है बाहर, और फिर हम इसको ऐसे करके अपने रस कटर में लगाते जाते हैं, और ये कट होके स्लाइसेस के थ्रू ऐसे हमारे ऐसे स्लाइसेस के लिए बाहर आते जाते हैं ये, और इन स्लाइसेस को हमें ट्रे में डाल के वापस से रीबेक करना होता है एक बारी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे कटे हुए रस तैयार हैं। बस अभी इनको सिर्फ एक बारी फाइनल बेकिंग के लिए हम अपनी ट्रे के अंदर डालेंगे। ये वाली जो ट्रे होती है हमारी, इस तरीके से हम, ये हमारी ट्रे है 13x18 इंच की, इस तरीके से हम अपने ये जो रस्क होते हैं इस ट्रे में सेट करते हैं, और फिर इनको बेकिंग के लिए ट्रे ट्रॉली के अंदर डाल करके अपने ओवन में
सेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने ट्रे के अंदर अपने लादी को काटने के बाद जो रस्क है वो इसके अंदर बिछा लिया है, और ऐसे करके हम अपनी ये हमारी ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर पूरे जो रस्क जो ट्रे है वो पूरी रस्क की ट्रे हमने भर के इसमें लगा दी है। अब हम ये फाइनल बेकिंग के लिए डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो आधे पके हुए कटे हुए जो लादी से कटे हुए रस्क हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ओवन के अंदर फाइनल बेकिंग के लिए जाने के लिए। अब ये इसको ट्रॉली को ऐसे ओवन के अंदर सेट करेंगे, और ट्रॉली की डायरेक्शन होती है कि इसको सीधा ही लगाना होता है। नीचे से ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको ओवन के अंदर रख रहे हैं, और वहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है उसको उन्होंने अप कर दिया है ताकि ये ट्रॉली सही से घूमे और बाहर ना निकले। और अब हम इसको बंद कर देंगे, अपने ओवन को बंद कर देंगे और वापस से ऑन कर देंगे। ये हमने ओवन ऑन कर दिया है, सारे कंपोनेंट ऑन कर दिए हैं। अब ये इसकी फाइनल बेकिंग हो रही है, जिसको करीबन 30 से 40 मिनट चाहिए होंगे। लादी कटने के बाद जो ओवन की फाइनल बेकिंग होती है वो करीबन 30 से 40 मिनट के अंदर होती है। 30 से 40 मिनट के बाद हमारी जो फाइनल बेकिंग होनी थी वो फाइनल बेकिंग हो चुकी है, और अब 30 से 40 मिनट होने के बाद हम अपनी ये जो ट्रॉली है वो बाहर निकालेंगे, और उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद पैकिंग स्टार्ट करेंगे। निकालिए अजय जी, ये ट्रॉली का हैंडल दिया हुआ है कि इसके अंदर यहाँ पे पहले ये हैंडल पकड़ेंगे कपड़े के थ्रू, ग्लव्स के थ्रू, और उसके बाद इस ट्रॉली को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद ओवन का जो ढक्कन है वो बंद कर देंगे, मेन डोर, और ओवन की फंक्शनिंग भी ऑफ कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने जो ये ट्रॉली थी रस्क सेट करके हमने बेकिंग के लिए डाली थी ओवन के अंदर, जिसका प्रोसेसिंग टाइम था 30 से 40 मिनट। तो अब ये हमारी ट्रॉली प्रोसेस हो करके फुल्ली बेक्ड होके हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल बाहर आ चुका है, और हमने अभी अभी ये ट्रॉली निकाली है अपनी, तो हम इसे छुएंगे नहीं। हमारा इसमें ये फाइनल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, रस जो हैं बिल्कुल फाइनली बेक होके तैयार हो चुके हैं। ये मेरी ट्रॉली अभी बाहर आई है तो इसलिए हम इसको नहीं छुएंगे। अभी हमने इससे पहले एक और ट्रॉली निकाली थी तो उसका माल यहाँ पर रखा हुआ है, ये बिल्कुल ठंडा है एकदम और तैयार हो रखा है। आप देख सकते हैं ये कितना फाइनली बेक है। हमारे शेफ़ अजय जी ने इसको पैक कर दिया है, जो अब बिल्कुल पैकिंग के लिए रेडी है। इसके अंदर बस हमें स्टिकर डालना है और पैक करना है, और पैक करने के बाद हमारा मटेरियल कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें एक रो के अंदर 11 पीसेज होते हैं, और आप देख सकते हैं इसका नेट वेट 280 ग्राम है। तो अभी हम ये आपको वेट करके भी दिखाएंगे कि 270 से लेकर 280 ग्राम तक इसका वेट कैसा होता है। तो हमारे जो को शेफ हैं मिस्टर रंजन जी, अब ये आपको पैकिंग करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कैंडल के थ्रू मैनुअल पैकिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके बदले नॉर्मल सीलिंग मशीन, जिसको पैकिंग मशीन भी बोलते हैं, पैकिंग सीलिंग मशीन जो 1200 वॉट या 1000 वॉट या 1300 वॉट तक की आती है, जिसकी कॉस्ट नॉर्मली 7-8 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये तक होती है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। आइए इसको आपको वेट करके दिखाते हैं कि ये कितने ग्राम का है। तो अब मेरे ये जो पैकेट्स हैं बिल्कुल फुली पैक्ड हो गए हैं, अब बस हमें इनका वेट क्रॉस चेक करना है कि एग्जैक्ट वेट ऑन कितना आता है इनका। एक पैकेट का वेट 275 ग्राम है, मैंने आपको बताया था 280 ग्राम, तो इन्होंने आप देख सकते हैं 280 ग्राम अप्रॉक्स लिखा हुआ है, तो मतलब 270, 275, 280, 278 कितना भी एक पैकेट का वेट हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी डो नीडिंग हो गई है, बेकिंग हो गई है, कटिंग हो गई है, कटिंग होने के बाद में लादी की फाइनल बेकिंग भी हो गई है, ठंडा होने का प्रोसेस भी बता दिया हमने आपको, और पैकिंग भी बता दिया कि पैकिंग कैसे होती है। तो अब हम आपको ये जो फैक्ट्री है वेयर हाउस, इसका दिखा देते हैं कि हम ये जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, हमारा ये जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, इस फाइनल प्रोडक्ट को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं और आगे सेलिंग प्रोसेस क्या होता है इसका। तो आपने देखा कि हमने आपको बताया कि एक रस प्लांट के लिए किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, आपको क्या क्या मशीनरी चाहिए होती है, क्या उनका प्रोसीजर होता है, और जो उस चेन के अंदर काम करने वाले, जो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर काम करने वाले लेबर शेफ कैसे उसको काम करते हैं उसके अंदर, और कैसे पैकिंग करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप भविष्य में कोई बेकरी बिजनेस चालू करना चाहते हैं, या कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, या आप शेफ़ हैं, या भविष्य के अंदर आप किसी
बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं इन दिए हुए नंबरों पे। धन्यवाद।